अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर आफियत से हों, खुशबाश हों। और ये बर्फ़ बन चुका है, अब ये कैसे उतरेगा? सर्दी है, देख सकते हैं आप। ये जो है ना, मेरा फ्रंट व्यू ख़राब हो गया, तो खैर अभी इसको साफ़ कर लेते हैं, हीटर वगैरह ऑन करते हैं। और पीछे तो आफत में बैठी है, इसको छोड़ने जाते हैं किंडरगार्टन, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, तो काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो चुका है, बल्कि बिल्कुल साफ हो गया है, मुझे नज़र आ रहा है सब कुछ। तो चलते हैं, तो आपको छोड़ के आते हैं जल्दी से। आज जो है वो काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है और अच्छा लग रहा है। और सर्दी जो है ना, उसने तो हमारे हाथ पांव जो है वो ऐसे लगता है उतार ही दिए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, हाथ पांव को ज़्यादा लगती है वैसे, बाकी जब धूप निकल आती है तो फिर दिल करता है कि मतलब धूप में ही चले। गुड मॉर्निंग। नो, आपने नहीं बोलना, बोल दो। अभी मैं आ गई हूँ नेटो, आज यहाँ से गाजर लेनी है। मेरा आज बहुत मूड है कि मैं जो है गाजर का हलवा बनाऊँ, बस जिस चीज़ पे दिल आ जाए तो मैं फ़ौरन लेने आ गई। तो गाजरें ली मैंने मार्केट से और फिर घर आई, आके इनको जो है कश करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो बड़ा वाला था ना, जिससे कश करते हैं कद्दूकश, वो मेरा टूटा हुआ था, इसलिए छोटे से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे खीर जो है वो बनने के लिए रख दी थी, रसमलाई की तैयारी हो रही थी, और इसके अलावा वाटरमेलन लेकर आई थी मैं, ब्रोट लेकर आई थी, और बजू के नाश्ते के लिए। इसके अलावा मैं गोश्त लेने गई थी शॉप पर, बिरयानी के चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। और ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सब बाद में मुझे याद आया था कि मेरा व्लॉग तो बनाया ही नहीं। मैंने कबाब बनाए थे, चिकन जो है वो डाला था मैंने ओवन में, और इसके अलावा चना चाट और खीर और बहुत कुछ जो है वो मैंने बनाया था। माशाल्लाह से भाई जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनके लिए कुछ अच्छा सा एहतमाम करते हैं। फिर साथ में मैंने सबको बुला लिया था, नंद भी आई थी, देवरानी मेरी फ्रेंड, और सब ने जो है वो मिलके एंजॉय किया खाना, लेकिन मैं साथ साथ शूट नहीं कर पाई। ओके, तो अभी शाम का टाइम हो गया और मैं आ गई हूँ बाहर क्रंकन हाउस, मतलब बड़े हॉस्पिटल में। यहाँ पे मेरी जो नंद की बच्ची है उसको ना दांत में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, बहुत दिनों से हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ले चलते हैं और चेकअप करवा लेते हैं। अभी वो गई हैं अंदर और चेक करवा रही हैं से, और जैसे ही वो आती हैं तो फिर हम लोग चलते हैं, क्योंकि वो बता रही थी कि वो जल्दी फ्री हो जाएंगी, तो डॉक्टर नहीं था इसलिए सिर्फ मेडिसिन ही मिलेगी उनको। तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने घर की जानेब। और आज मेरे भाई जो है वो वापस जा रहे हैं, इसलिए फिर उनको भी अलविदा करना है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और मलाला भी मेरे साथ, भाई भी है, इसलिए मैं बिल्कुल वो बोर नहीं होती। हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग एंडी देख रहे हैं, सेल फोन देख रहे हैं, और साथ में वेट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह यहाँ सब जो है हम बैठे हुए थे और बातें हो रही थी, और बच्चे जो है वो खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो बोझल दिल के साथ भाई को कर दिया अलविदा, लेकिन आप लोगों को मैं कभी अलविदा नहीं बोलूंगी। आप लोग तो आते रहिए और फिर कभी मत जाइए, यहीं के हो जाइए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।